Hi guys, welcome back to our channel. RK is in America. नीचे उतरते मैं दिखाऊंगा आप लोगों को मेरा एरिया है कैसा. काफी वक्त हो गया यार, आप लोग मेरे चैनल पे इतने वक्त से जुड़े हो, आप लोगों को अभी तक मैंने अपना एरिया नहीं दिखाया, तो सोचा आप लोगों को बाहर चल के मेरा एरिया जो है अच्छे से बताऊं कि मेरा जो ये मोहल्ला है ये है कैसा. अब क्या है ना, जब मैं अमेरिका में आया था ना, तो मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत नई थी, तो मैंने सोचा मेरा जो एक्सपीरियंस है ना मैं आप लोगों से आज ना शेयर करूं कि देखो सबसे पहला ये जो पूरा जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है ना, जो पूरा जो घर बना हुआ है ये पूरा लकड़ी का है. यहाँ की जो सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही है ये पूरी लकड़ी की है. आप लोग हमेशा हमें यहाँ से उतरते चढ़ते देखते हो, तो यहाँ पर जो भी घर वगैरह बनते ना अमेरिका में वो मोस्टली लकड़ी के ही बनते. सो देखो पूरा लकड़ी का. और यहाँ पर जब भी अगर देखो कैसा होता है, यहाँ पर ना भी अलग अलग होता है. ये जहाँ पर अभी हम लोग रहते हैं ये अपार्टमेंट इसे कहा जाता है. तो ये अपार्टमेंट में जो मेल बॉक्सेस होते हैं, अगर आपका कुछ भी लेटर वगैरह आता है तो उसके लिए ऐसा सबके रूम नंबर दिए होते हैं, ऐसा एक साथ होता है. और एक होता है अगर आपका टाउन होम रहता है, टाउन हाउस जिसे कहते हैं, या अगर आपका सिंगल फैमिली हाउस रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका अलग से घर के बाहर रहता है मेल बॉक्स. वहाँ पर आप अपना वहाँ से मेल वगैरह ले सकते हो. फिलहाल हम लोग रहते हैं मैरीलैंड स्टेट में. अभी फिलहाल कनीज मेरे साथ में है नहीं, वो अभी तक ऑफिस से आई नहीं है, मेरा काम खत्म हो गया जल्दी. हम लोग रहते हैं मैरीलैंड स्टेट में. अब मैं आपको ना यहाँ पे एक सिस्टम बता दूँ, अगर आपके पास पहली बात अमेरिका में हो तो आपके पास कार तो होना यार एकदम कंपलसरी है. बात आती है पार्किंग की, क्या पार्किंग कैसे करोगे. तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये बना हुआ, ये पार्किंग सिर्फ हैंडीकैप वालों की है. अगर आप हैंडीकैप हो तो ही आप यहाँ पर पार्क कर सकते हो. अगर आप नॉर्मल इंसान अगर यहाँ पर पार्क करेगा ना, तो फिर भाई उसको है ना कम से कम $250 से $300 है ना उसको फाइन देना पड़ेगा. आर यू गोना लिव फ्रॉम हियर, आर यू मूविंग और समथिंग? यस, हाय. सो शी इज माय नेबर, शी लिव्स राइट हियर. सो आई शेयर हियर माय लाइफ एज एन इंडियन इन अमेरिका. You like it? I love it. They're moving, you said, right? Mm-hmm. So where are you moving now? Michigan. मुझे बता रहे थे कि यार वो ना मिशिगन जा रहे हैं, यहाँ से मूव हो रहे हो, मिशिगन मूव हो रहे हैं. और वो उन्होंने एक जो बात कही ना, मुझे थोड़ा सा मतलब मैं शॉक्ड हो गया सुनकर. वो बता रहे थे कि वो ना जा रहे हैं नॉर्थ साइड में जा रहे हैं मिशिगन के. मोस्टली वहाँ पर ना वाइट अमेरिकन से मतलब अफ्रीकन अमेरिकन वहाँ पर ना आबादी कम है. तो वो बता रहे थे स्कूल वगैरह है ना यहाँ पर ज़्यादा अच्छी है, मतलब इस मैरीलैंड में ना स्कूलिंग वगैरह बहुत अच्छी है. वो मुझे अभी ये चीज़ बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत है. मतलब यहाँ पर ना हर कंट्री के लोग हैं ना आपको यहाँ पर मैरीलैंड में देखने के लिए मिल जाएंगे. यहाँ पर स्कूल में ना सब मिक्स है. तो वो बता रहे थे वहाँ पर मोस्टली जो है ना वो है भैया देखे बंदा उसके बाइक पे कैसी आवाज आ रही है, उसके स्कूटर के ऊपर उसने भाई ने स्पीकर वगैरह लगाया है. तो मेरे को तो वो दिन याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में ना साइकिल पे बैठ के स्कूल के टाइम पे साइकिल पे बैठ के फोन में हम लोग गाना सुनते थे और साइकिल पे घूमते थे. फिर उसके बाद बाइक ले लिए तो फिर बाइक पे हम लोग ये मतलब ये सारी हरकत करते थे. और ये चीज मुझे यहाँ अमेरिका में भी देखने के लिए मिल रही है भाई. तो देखो मैं टॉपिक पे से हट गया, वो मेरे को मिल गया, हाय हेलो करने लग गए. तो लेकिन एक चीज उससे ये जानने मिली कि भाई वहाँ पर वो बोल रही है कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगी बिकॉज उसकी जो पूरी फैमिली है ना वो पूरी मिशिगन से ही है. तो उसने बोली कि मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं. आपको पार्किंग दिख रही है ना लाइन से, ये पूरी पार्किंग सबके लिए मतलब ये पब्लिक यूज कर सकती है. मतलब कोई भी यहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकता है, कोई भी मतलब जो यहाँ अपार्टमेंट्स में रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम लोगों का जो पूरा अपार्टमेंट है ना, यहाँ पे आप घर खरीद नहीं सकते हो, खाली रेंट पे ले सकते हो जहाँ पर अभी हम लोग है. लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग है ना प्राइवेट पार्किंग लेकर रखते हैं. जैसा अभी देखो ये बाइक इसने यहाँ पर लगाया है, अब ये बाइक के बाजू में साइड में स्पेस है. तो ये भाई उसकी प्राइवेट पार्किंग है. यहाँ पर इनको नंबर दिया जाता है कि भाई ये नंबर पे सिर्फ आप ही अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो क्योंकि ये लोग इसका पे करते हैं, इसको रिजर्व पार्किंग बोलते हैं. अगर मैंने उसकी बाइक के बाजू में अपनी बाइक लगा दिया, थोड़ी सी जगह रहती, हम लोग को तो आदत है भाई, मतलब थोड़ी सी भी जगह दी कि बाइक को साइड में घुसा भाई पार्क करके चलो घर पे, अगर मैंने ऐसा पार्क कर दिया ना तो मुझे ना फिर उसका फाइन देना पड़ेगा. कितना वो क्या करेगा, सीधा टोइंग वाले को कॉल करेगा. ये देखो उसने मेरी गाड़ी के बाजू में अपनी गाड़ी पार्क किया, ये मेरी रिजर्व पार्किंग है. तो वो टोइंग की गाड़ी आएगी, टो कर लेंगे और फिर मेरे को ना $250 से $300 का फटका आ जाएगा. ये लोग महीने का पे करते अपने रेंट के साथ में. अब हम लोगों को लगा हम लोगों को जरूरत नहीं है. ये जो कम्युनिटी है ना इसके ऊपर भी है ना एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा. लेकिन मैं बहुत जल्दी स्केटबोर्ड लेकर उतरूंगा ना क्योंकि मेरे को स्केटबोर्ड वगैरह भी चलाने बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर चलाता भी हूँ स्केटबोर्ड. पहले आज ये एरिया देख लो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों को स्केटबोर्ड पे ना मेरा पूरा जो एक कम्युनिटी है ना वो दिखाऊंगा. एक काम करता हूँ मैं ना अभी आप लोगों को मेरी जो सोसाइटी है ना इसका है ना एक बार जिम दिखा देता हूँ
और ना आप लोगों को स्विमिंग पूल बताता हूँ मैं। ये हम लोगों का सोसाइटी का मेन ऑफिस है। अपना इंडिया में भी जो बिल्डिंग में सोसाइटी की ऑफिस होती है ना, तो वैसे यहाँ पे हम लोगों का ऑफिस है। पहला देख लो आप लोग जिम, ऑफिस के साथ में हम लोगों का जिम है। मैंने इनसे कोड लिया कि यार यहाँ पे ना जिम का आपके पास कोड होना चाहिए, तो आप अगर यहाँ पे जिम वगैरह करने के लिए आते हो। तो ये देखो, ये एक ना छोटा सा जिम है जिसके अंदर आप अपनी नॉर्मल जो डेली की जो नॉर्मल एक्सरसाइज है ना, पंपिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर ये रखा हुआ है, तो अभी जिम के साथ में रहते रहते अभी यहाँ पर मैं 2 साल से रह रहा हूँ कनीज के साथ में। कभी भी हम लोग यहाँ कर ये खेले नहीं यार। ये कनीज भाई वीडियो देख रहे हैं, मैं उसको पूछूंगा अभी शाम में आएगी ना घर पे रखे, अभी तक हम लोग यहाँ पे आके खेले क्यों नहीं। पूल खेले तो अभी काफी टाइम हो गया यार। जब मैं इंडिया में था ना तो मैं अपने भाई के साथ में खेलता था, अपने दोस्तों के साथ में खेलता था, लेकिन अमेरिका आकर तो मैं पूल वगैरह खेला ही नहीं यार। कैरम है घर पे जो हम लोग कभी कभी खेलते हैं वीकेंड पे, मैं और कनीज उसको लेकर आता हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा खेलते हैं, मजा आएगा। ये लो, रिकॉर्ड करने के चक्कर में फिर मेरे फोन पर ही लग गया। अब मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को आप लोग ना जज मत करना, मैं को इतना अच्छा खेलता नहीं हूँ पूल, मैं नॉर्मल प्लेयर हूँ। कितने लोगों को पूल खेलने का शौक है ना, आप लोग है ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक्चुअली इंडिया में बॉम्बे से हूँ, तो जहाँ पर मैं रहता था ना वहाँ पर ना बड़े बड़े ना क्लब होते थे पूल के, मतलब जहाँ पे लोग जाकर खेलते थे, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे, तो मैं वहीं से देख देख कर सीखा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे जज भी मत करना। लेकिन आप में से कितने लोग बुरा खेलते हैं ना ये भी कमेंट करना, कितने लोग अच्छा खेलते हैं ये भी कमेंट करके बताना, कौन प्लेयर है अच्छा। अब देखते नेक्स्ट टाइम कनीज के साथ में आऊंगा ना, देखते वो जीतती है या मैं, मजा आएगा। सो ये व्लॉग आप लोगों को अब तक कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग कमेंट करके बताओ, और चैनल पे पहली बार हो ना तो प्लीज लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। और यहीं से ना आप लोग अपना जिम की तरफ भी जा सकते हैं, देखता हूँ खुला है कि बंद है। चलो खुला है, तो यहाँ से भी हम लोग है ना सिर्फ पीछे आएंगे। तो यार हम लोगों का यहाँ पर जिम है, जिम दिखाता हूँ मैं जिम बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये है पूल। जिम तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, फिलहाल ठंडी का टाइम है ना इसलिए लोगों ने ना ये पूल वगैरह बंद रखे हुए, लेकिन मैं जब समर था ना, जब गर्मियों का टाइम था, तो मैं यहाँ पर ना पूल पर आता था और इंस्टाग्राम पे लाइव भी जाता था। तो अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया हो ना, फॉलो कर दो, क्योंकि अभी गर्मियां जब शुरू होगी तो यार मैं यहाँ पर पूल पर आने वाला हूँ। सो स्विमिंग पूल को लगकर ये है हमारा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल को लगकर ही ये एक इन लोगों ने एरिया बनाया, बारबेक्यू का एरिया बनाया बारबेक्यू के लिए, कि अगर आप लोग अपने फ्रेंड के साथ में आते हो, फैमिलीज वगैरह आपके जैसे कोई रिश्तेदार आते हैं कोई दूसरे स्टेट से या दूसरी कंट्री से, इंडिया वगैरह से लोग आते हैं, तो आप उनके साथ में बैठ कर है ना आराम से कुछ भी अपना ग्रिल वगैरह कर सकते हो, फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ कर छिल कर सकते हो, बच्चे जो होते हैं घर के वो लोग अंदर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये लोग ने बारबेक्यू का पूरा एक एरिया बनाया, तो कैसा है गर्मियों के टाइम पे लोग यही सारी चीजों का ना लेते हैं यहाँ पर मजा। और स्विमिंग पूल में आप लोगों से अगर कोई अगर मुझे टिप्स दे सकता है ना कि यार स्विमिंग कैसे अच्छे से कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे ना स्विमिंग करना आता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में ना टिप्स दे दो कि भाई इस तरीके से जल्द सीख सकते हैं, कुछ टिप्स वगैरह दोगे। और आप में से कितने लोग स्विमिंग करते हैं, कितने लोग तैराकू है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब ये जानते हैं कि हम लोग ने यहाँ पर रेंट कितना देते हैं। पहले ना इन लोगों का रेंट था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ 1700 रेंट था जब मैं नया नया यहाँ पर आया था, लेकिन ये 2 साल में यार इनका ना रेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ऐसा कम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है कि भाई आपको इतना ही देना है। इनका रेंट बढ़कर 1700 तो अभी सीधा हो गया 1900, मतलब $200 बढ़ गया। वैसे जो मेरी सोसाइटी है ना बहुत बड़ी सोसाइटी, आप लोगों ने ड्रोन में भी देखे रहोगे, ये पीछे बंदा देखो एक्सरसाइज कर रहा है और वो उठाकर भागेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर है ना ये भी होता है, जब थोड़ा वेदर अच्छा हो जाता है ना तो लोग बाहर वॉक करने के लिए निकलते हैं, जॉगिंग करते हैं, ऐसा रास्ते वगैरह पे भी ना लोग एक्सरसाइज बिंदास करते हैं, कोई ऐसा सोचता नहीं कि मेरे को देखकर कोई क्या बोलेगा। और यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा देखो डॉग का ऐसा स्टेशन भी बनाया हुआ कि अगर आपका डॉग अगर कहीं भी पॉटी करता है ना, तो यार आपको खुद से यहाँ पर उसको लिफ्ट करना होता है, उनका जो पॉटी होता है ना आपको क्लीन करना होता है, और वो जो पीछे जो डस्टबिन है उसमें आपको डालना होता है। एरिया तो वैसे मेरी जो सोसाइटी है काफी बड़ी है। अब इसमें और भी दूसरी चीजें हैं, अभी ये जो स्विमिंग पूल अगर आपको छोटा लगता है, अगर ये जिम आपको छोटा लगता है, अगर इसमें आपका काम नहीं होता है, तो इससे बड़ा जिम भी है जो मैं आप लोगों का ना नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये व्लॉग में दिखाने लगूंगा ना तो यार बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सो अब तक का कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम ना मैं आप लोगों को दूसरा एरिया भी दिखाऊंगा, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, जाकर थोड़ा सा ये वीडियो को एडिट वगैरह भी करना है, कुछ खाऊंगा, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, और ये 1 लाख सब्सक्राइबर तो अभी होने ही वाले। और हाँ, कनीज का जो नया चैनल बना है उस पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो उसके भी जल्दी जल्दी जाकर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराओ, उसके चैनल पर भी आपको और कॉन्टेंट देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि हम हर बार कहते हैं। तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइज। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ, वहाँ पर भी फॉलो कर दो, रील्स वगैरह हम लोग अपलोड करते रहते हैं।